मैं तुम्हें और अभीरा को 3 महीने और एक साथ देखने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद तो तुम्हारा वादा पूरा हो जाएगा ना? उसके बाद तुम वो वादा निभाना जो तुम मुझसे अभी करने वाले हो। कैसा वादा? अरमान, मुझसे वादा करो कि 3 महीने बाद तुम खुद दादी सा से हमारे रिश्ते की बात करोगी। अरे आ जाओ, लेट हो रहा है। डिवोर्स पेपर्स की चलती तीली तो रूही ने हमारी लाइफ पर गिराई। अरमान तो डिवोर्स चाहता ही नहीं। फ्यूचर में क्या होगा, हू नोस, पर आज अरमान मेरे साथ रहना चाहता है। अरमान फाइनली हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। 3 महीने बाद वो दादी सासे हमारे रिश्ते के बारे में बात करेगा। अब मैं इस रूही के बच्चे दाल दाल कच्ची को अपने और खड़ूसमान के बीच में कभी नहीं आने दूंगी। बस 3 महीने और, उसके बाद अभीरा मेरे और अरमान के बीच में कभी नहीं आएगी। जो सोता है वो खोता है। एक्सक्यूज मी, तुमने बैठने में बहुत देर कर दी। अब चलो बैठो, पीछे बैठो। अरे खड़ूसमान, क्या हुआ? अरे बेचारी रूही कब से बोल रही है पीछे बैठो पीछे बैठो। तो जाओ बैठो ना, कोई तो बात मान लो बेचारी की। अच्छा मुझे ये तो बताया नहीं तुमने, जब रूही मसूरी आई तो क्या क्या किया तुमने? हाँ वो हमारे लिए भी सरप्राइज था। आपको पता है हमारे रिसोर्ट की पहली गेस्ट थी वो, और वो बॉनफायर करने का महा ब्रिलियंट आइडिया भी उसी का था। अच्छा फिर? फिर कुछ नहीं, अगले दिन जब मैं उसके कमरे में गई उसे बुलाने के लिए तो वो कमरे में नहीं थी। फिर अरमान चला गया उसे ढूंढने के लिए, और फिर जब मैं तैयार हो रही थी तो मैंने साइड में देखा वो डिवोर्स पेपर्स जो रूही ने हमारे में। रूही तुम्हारे और अरमान के लिए डिवोर्स पेपर्स लेकर आई थी? नहीं नहीं माँ, आपको तो पता है ना कि मैं कैसे बड़बड़ गड़बड़ कर। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।